ये मैसेज है कक्षा 9 कक्षा 10 विद्यार्थियों के लिए, बहुत जरूरी है। अभी अभी मध्य प्रदेश जो स्कूल शासन है भोपाल से, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें मुख्य तीन आदेश दिए गए हैं। पहला आदेश है कि शिक्षण सत्र 2023 से 24 से कक्षा 9वीं और 10वीं के सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू की जाएगी, मतलब लगातार टेस्ट होंगे, उनके नंबर बोर्ड्स भेजे जाएंगे और शायद उन नंबर्स का कुछ वेटेज एग्जाम में जुड़ेगा, अभी इसको क्लियर नहीं किया है। दूसरा बता रहे हैं कि इसी शिक्षण सत्र 2023-24 से कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको विकल्प दिया जाएगा कि उनको सामान्य गणित पढ़ना है कि उच्च गणित, किताब वही रहेगी, सामान्य गणित का पेपर बहुत आसान आएगा और उच्च गणित का पेपर टफ आएगा। अब इसमें एक कैच है, अगर आप सामान्य गणित से 9वीं पढ़ते हैं तो आप 10वीं सामान्य गणित से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 10वीं कक्षा के बाद आप 11वीं कक्षा में गणित विषय नहीं ले सकते, जो सामान्य गणित के विद्यार्थी हैं गणित विषय नहीं ले सकते। अगर आपका उद्देश्य कक्षा 11 में गणित विषय लेकर पढ़ाई करना तो फिर आपको उच्च गणित चुनना पड़ेगा, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को इसी साल चुनना है जबकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अगली साल चुनना है। तो इस साल के विद्यार्थियों कोई टेंशन नहीं है, जैसा गणित का पेपर होता वैसा होगा, ना सामान्य उच्च गणित का कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्लियर हो गया। अगला ये है कि ये जो सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये सामान्य गणित उच्च गणित 9वीं कक्षा इस बार, 10वीं कक्षा अगली बार, तो 2024-25 ये बहुत बड़ा आदेश है कि बेस्ट ऑफ 5 जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इस साल से खत्म नहीं होगा, इस साल तो बेस्ट ऑफ 5 आ जाएगा लेकिन अगले साल से खत्म कर दिया जाएगा, तो अगले साल से विद्यार्थियों को 6 के 6 विषय में नंबर लाने पड़ेंगे, बेस्ट ऑफ पद्धति खत्म है। इससे थोड़ा नुकसान होगा, परसेंट जो हाई बन रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे, पर अब पूरा सीबीएसई पैटर्न ही अपना लिया है और इस साल से 9वीं के और अगले साल 10वीं के पेपर पूरे सीबीएसई पैटर्न में रहेंगे, इस साल थोड़े बहुत रहेंगे, अगले साल तो पूरा जो कहते हुए। तो ये आदेश मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों, आप भी जल्दी से अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि सबके पास न्यूज पहुंच जाए। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं।